बांग्लादेश से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, प्रधानमंत्री शेख हसीना वहां से बाहर निकल चुकी हैं मिलिट्री के हेलीकॉप्टर के जरिए, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। भारत पहुंची है शेख हसीना, बहुत बड़ी खबर, भारत पहुंची है शेख हसीना। मित्र राष्ट्र है अगरतला में लैंड हुआ है हेलीकॉप्टर, त्रिपुरा के अगरतला में लैंड हुआ है शेख हसीना का हेलीकॉप्टर। शेख हसीना वाजिद है, वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो मुल्क छोड़ गई हैं। सुनने में आया कि वो त्रिपुरा चली गई हैं, और ये डेवलपमेंट जो है वो जारी बात है एशिया के लिए, साउथ एशिया के लिए, हमारे खित्ते के लिए कोई इतनी अच्छी नहीं है। बांग्लादेश की शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है, स्टेप डाउन हो गई हैं और कहा जा रहा है फ्लीस टू इंडिया। बांग्लादेश की शेख हसीना इस्तीफा दे चुकी हैं, रिजाइन कर चुकी हैं, क्योंकि उनको बांग्लादेश की आर्मी ने 45 मिनट की डेडलाइन दी थी कि आप रिजाइन कर दें। ये सरकार पलटने की चाइना पहले दिन से कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी। इस गवर्नमेंट ने इंडिया को एक पोर्ट भी दिया था, जिस पोर्ट से इंडिया की नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बनती थी। याद रखें कि भारत का किरदार जो था बेसिकली शेख हसीना वाजिद को मजबूत करने में बहुत ज्यादा था। उसकी वजह यह है कि भारत आपको पता है कि चाहता था कि शेख हसीना वाजिद जो है वो पावर में, इक्तदार में रहे। वो ये समझते थे कि हमारी एक लंबा चौड़ा ताल्लुक जो है वो शेख हसीना वाजिद के साथ मौजूद है, और हमें शायद उस ताल्लुक को रखना चाहिए। पुराना एक ताल्लुक है शेख हसीना वाजिद के साथ। और बांग्लादेश की शेख हसीना के पैलेस पर प्रोटेस्टर्स चढ़ दौड़े थे, हजूम जमा हो गया था और हजूम पैलेस की तरफ चल रहा था, और उन्होंने धावा बोल दिया था पैलेस पर, जिसके अंदर बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना मौजूद थी। और अब खबर ये कंफर्म हो चुकी है, जो कि पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त इसको रिपोर्ट कर रहा है, रॉयटर्स से लेकर अल जजीरा तक, इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया, हर जगह पर यह न्यूज चल रही है कि बांग्लादेश की शेख हसीना रिजाइन कर चुकी। दोस्तों, बांग्लादेश की सिचुएशन बहुत खराब हो गई है, और इतनी खराब हो गई कि वहाँ की पीएम श्री शेख हसीना जी को वहाँ पर इस्तीफा देकर के अपने देश को छोड़ना पड़ा, और अभी वो हिंदुस्तान में हैं हिंडन एयरपोर्ट पर, जहाँ पर वो रिफ्यूलिंग का उनके प्लेन का कार्यक्रम चल रहा है। इससे पाकिस्तान वाले बड़ा खुश हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश इनको घास नहीं डालता था, तो अब ये इनको एक मौका मिला हुआ है खुश होने का। तो ये अभी, हालांकि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने उस पर नज़र बनाया हुआ है, और ये बाकी मीडिया जो है टिड्डों की तरह उछल रहा है। अब इनको इतनी खुशी हो रही है कि समझो इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो गई हो। ये बेचारे अपने सारे दुख, आटा दाल चावल जो इनके यहाँ नहीं है, वो सब दुख भूल गए हैं इस टाइम पर। ये वो लोग हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन पड़ोसी का जो सुख होता है उससे बड़ा दुखी रहते हैं। पड़ोसी अगर दुखी हुआ तो ये बहुत खुश हो जाएंगे, फिर ये अपने सारे दुख भूल जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान का नाकाम मीडिया, जिहादी मीडिया, और क्या रोना रो रहा है। शेख हसीना वाजिद हैं, वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो मुल्क छोड़ गई हैं। सुनने में आया कि वो त्रिपुरा चली गई हैं, और ये डेवलपमेंट जो है वो जारी बात है एशिया के लिए, साउथ एशिया के लिए, हमारे खित्ते के लिए कोई इतनी अच्छी नहीं है। अब वो विश कि जो बांग्लादेश की आवाम है उनके लिए आइंदा के दिन बहुत अच्छे हों। बांग्लादेश की फौज ने इक्तदार संभाल लिया है बांग्लादेश के अंदर। हम ये सोच नहीं थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसी सिचुएशन जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी, वो जैसे आप कहते हैं ना कि होगी कोई। कहा जाता है कि भारत के जो ताल्लुकात हैं शेख हसीना वाजिद के साथ बहुत अच्छे थे। अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले ही, 2-3 हफ्ते पहले शेख हसीना वाजिद को भारत ने इन्वाइट किया था एज ए स्टेट गेस्ट। सो ये बहुत बड़ी चीज़ थी, ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि उनको एज ए स्टेट गेस्ट आप इन्वाइट करें, और एज ए स्टेट गेस्ट जो है वो आएं और आके इंडिया के अंदर रहें। लेकिन कि भारत का किरदार जो था बेसिकली शेख हसीना वाजिद को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा था। उसकी वजह यह है कि भारत आपको पता है कि चाहता था कि शेख हसीना वाजिद जो है वो पावर में, इक्तदार में रहे। एक तो सारी बात है वो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी, ये एक उनको बहुत ज्यादा एच था, ठीक है जी। दूसरा जो एच था उनको वो ये भी था कि वो ये समझते थे कि हमारी एक लंबा चौड़ा ताल्लुक जो है वो शेख हसीना वाजिद के साथ मौजूद है, और हमें शायद उस ताल्लुक को रखना चाहिए। पुराना एक ताल्लुक है शेख हसीना वाजिद के साथ जो कि उनका था। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है, कहां से आते हैं ऐसे लोग। ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं है, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।